हमारे साथ यही कश्मीरी पंडित है जो कि 83 कैंडिडेट्स हैं, जो रिजर्व है, कोर्ट ने हमें रिजर्व भी किया, फिर भी जो है गवर्नमेंट से टस से मस नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। 30 साल से हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं, हमारा कहीं कुछ गुजारा नहीं किया जा रहा है, हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से फिर से ये अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो लिस्ट है उसको जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए। अगर आपकी बातों की और सुनवाई नहीं होती है तो आपका आगे क्या इनिशिएटिव रहेगा? हमारा यही है कि हम जो है सड़कों पे आ जाएंगे, हमारा प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी तो कोविड की वजह से हमारी जो यहाँ पे लोग हैं, बच्चे जो हैं कम आए हैं कोविड की वजह से, तो हमें तो फिर सबको बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूँ वंदना मलकायन नायर। आज यहाँ पर एक बार फिर से 83 रिजर्व कैटेगरीज के जो लोग हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन को कर रहे हैं और ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर किस जस्टिस की ये मांग कर रहे हैं। ऊपर स्लोगन में लिखा गया है, वी आर अनएम्प्लॉयड, वी नीड एम्प्लॉयमेंट अंडर PM पैकेज। साथ साथ ये भी लिखा गया है कि जस्टिस फॉर 83 कैंडिडेट्स रिजर्व्ड अंडर PM पैकेज एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए बातचीत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2010 में एक पैकेज आया था कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1600 पोस्टें थी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने 800 पोस्टें जो थी वो SC और ST कैटेगरीज के लिए रखी थी। जो जैसा कि गवर्नमेंट जानती थी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स में ST और SC कैटेगरीज नहीं होती है, फिर भी उन्होंने ये कैटेगरीज 800 रखी थी। बजाय उनको फिल करने के गवर्नमेंट ने उसको रीएडवर्टाइजमेंट किया, जबकि गवर्नमेंट को उन्हीं 1600 में उसको फिल करना था, बट गवर्नमेंट ने वैसा नहीं किया, उसने उनको रीएडवर्टाइजमेंट किया। और हमारे कुछ भाई बंधु वो लोग कोर्ट में गए, 221 और अजय रैना जी वो साथ थे, और 221 ये सब मिलके कोर्ट में गए। इन्होंने कोर्ट ऑर्डर लाया वहाँ से, और कोर्ट ने इनको बोला कि इनको एडजस्ट करो, गवर्नमेंट को बोला इनको एडजस्ट कर लो। जैसे गवर्नमेंट ने उनको एडजस्ट किया, बिना सोचे समझे, बिना उनकी लिस्ट देखे, बिना उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, गवर्नमेंट ने आँख बंद करके उनको एडजस्ट किया। उसमें जो बच्चे थे उसमें कुछ एब्सेंट थे, कुछ 10 पॉइंट वाले थे, कुछ 8 पॉइंट वाले थे। हम यहाँ पे मेरिट वाले हैं, हमारे यहाँ 30 पॉइंट है, 32 पॉइंट्स हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जैसे आपने उनको एडजस्ट किया, हमें भी एडजस्ट करिए। हम तो हमारे पॉइंट्स भी इतने ज़्यादा हैं, फिर भी हमें अभी तक हमें पैकेज नहीं, मतलब कि हमें जॉब नहीं मिली। और मैं सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी लिस्ट को रिलीज़ करें। हम यहाँ पे कुछ यूथ हमारा ऐसा है कि वो ओवर एज हो चुका है, वो आगे फॉर्म नहीं भर सकता। और मैं गवर्नमेंट से फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी जो लिस्ट है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ करें। ऐसा ना हो कि हमें इससे भी बड़ा प्रदर्शन करना पड़े। अगर आपकी बातों की और सुनवाई नहीं होती है तो आपका आगे क्या इनिशिएटिव रहेगा? हमारा यही है कि हम जो है सड़कों पे आ जाएंगे, हमारा प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी तो कोविड की वजह से हमारी जो यहाँ पे लोग हैं, बच्चे जो हैं कम आए हैं कोविड की वजह से, तो हमें तो फिर सबको बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। कोविड के साथ क्या आपके साथ सिर्फ यहाँ पर कश्मीरी पंडित हैं? जी, हमारे साथ यही कश्मीरी पंडित है जो कि 83 कैंडिडेट्स हैं, जो रिजर्व है, कोर्ट ने हमें रिजर्व भी किया, फिर भी जो है गवर्नमेंट से टस से मस नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। 30 साल से हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं, हमारा कहीं कुछ गुजारा नहीं किया जा रहा है, हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से फिर से ये अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो लिस्ट है उसको जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 83 रिजर्व्ड कैंडिडेट जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका भी वही कहना है कि हमारी तरफ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई ध्यान दिया जा रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है इस वक्त। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकायन नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।